नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः सुखदेव सुमरा एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हमने जो नंबर सिस्टम जो हेडिंग लगा रखी है, इसके हमने दो पार्ट पहले पढ़ लिए थे, जिसको मैंने सुखदेव सुमरा एजुकेशन अड्डा पर अपलोड भी कर लिया है। और वहाँ पर मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है मैथ्स फॉर पटवार, वहाँ ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमने काफ़ी बेसिक बातें की है और एक दो पार्ट में और हम नंबर सिस्टम से जुड़ी बेसिक बातें करने वाले हैं, फिर बेहतरीन क्वेश्चन पे आएंगे। और उसके बाद में जो एग्जाम में पूछे हैं, गत एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जो चौथे पांचवे पार्ट में छठे पार्ट जो भी बनेगा उसमें मैं डाल दूंगा। तो आज का जो हमारा सेशन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। आज की क्वेश्चन है कि 2/7 + 1/3, हालांकि आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल विद्यार्थी क्या करता है, 7 और 3 का लसअप निकालता, ठीक है, उसके बाद में इसको हल करने की कोशिश करता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बेहतर ट्रिक है वो लगाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम 7 को 1 से गुणा कर देंगे, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है बट्टा। फिर हम क्या करेंगे, इस 7 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। 6 और 7 कितना हो जाता है, 13 13/21 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2/7 + 1/3 + 2/5, आप क्या करेंगे, अगर ट्रिक अगर आपको याद ना हो या ट्रिक आपके ध्यान में ना हो, तो आप क्या करते, 7 और 3 फिर यहाँ पर 5, इनका क्या करते, एलसीएम निकालते, फिर आप इनको भाग देके वहां पर गुणा करके आंसर निकालने की कोशिश करते। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, 7 × 1 कितना होता है, आप कहेंगे कि 7 होता है, ठीक है बटा 2 × 7 × 3 यानी 21 होता है, हम भी पहले कर चुके हैं, उस टाइम में डाला मैंने यहाँ पर 21। अब क्या बचा हुआ, +2/5 बचा हुआ है, ठीक है, +2/5 बचा हुआ है। 6 और 7 कितने होते हैं, 13 13/21 +2/5, 2/5 जो ऊपर था मैंने यहाँ लिख दिया था और एज वेल एज यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, अब 13 × 5 को गुणा किया, 13 को 5 से गुणा करने पर आए 65, और 21 को 2 से गुणा करने पर हम कहाँ पहुंचे, 42 पर बट्टा। 21 × 5 को हमने गुणा किया तो हम कहाँ पहुंचे, 105। 65 और 42 कितना हो जाएगा, 107, और 105 को लिख दो जैसा था वैसा लिख दिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 107/105। कुछ नहीं करना है, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आए, 7 को 1 से गुणा करने पर 7 आया, फिर 7 को 3 से गुणा करने पर 21 आया। हमने यहां तक कर दिया था सॉल्व, यहां तक सॉल्व कर दिया, उसके बाद 2/5 बच गया था, हमने 2/5 को वापस लिख दिया। फिर इनको हमने क्या किया, वापस सरल कर दिया, 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/21, और फिर 2/5 को वापस नीचे उतार दिया। अब जो ऐसा जो ये पूरा एक भिन्न थी, वैसी की वैसी और भिन्न बन गई, तो 13/21 + 2/5 करना था, हमने 13 को 5 से गुणा किया, 21 को 2 से गुणा किया, 21 को 5 से गुणा करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 से 1/5 + 2 से 1/2, यानी कि ये देखने में एकदम मिश्र भिन्न है। आप क्या करोगे, अगर कोई साधारण विद्यार्थी होगा तो वो क्या करेगा, पहले 5 को 4 से गुणा करेगा तो 20 आएगा, फिर 20 में 1 जोड़ेगा तो 21/5, यानी मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाएगा, ठीक है। फिर इस भिन्न को भी क्या करेगा, 2 × 2 = 4 करेगा, 4 और 1 = 5/2 करेगा, फिर आंसर निकालने की कोशिश करेगा, 5 और 2 एलसीएम लेगा, फिर आंसर निकालेगा। तो इतने में बड़ा सा वक्त है वो जा चुका होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मिश्र भिन्न में जो ये 4 से 1/5 है, इसमें जो 4 है और इसमें 2 से 1/2 में जो ये 2 है, इन दोनों का पहले ऐड कर दो। 4 और 2 कितने होते हैं, आप कहेंगे 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर कौन बचा, 1/5 और 1/2 बच गया, ठीक। पहले हमने जो बात की थी, पहले क्वेश्चन है वैसा कर दो, 1 को 2 से गुणा करने पर पहुंचे कहाँ, 2 पर, 5 को 1 से गुणा करने पर 5, ठीक है। 5 × 2 कितना होता है, 10, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/10, और ये 6 है वापस यहाँ जोड़ दो, तो 6 से 7/10 से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 7 से 2/3 + 4 से 1/2 - 5 से 3/5 बराबर क्या होगा। यहां पर देखो माइनस है, ठीक है, यानी इस भिन्न को क्या करना, हमें माइनस करना है। अब देखो यहां पर 7 है, यहां पर 4 है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कहां पहुंचे, 11 पर पहुंचे। अब यह माइनस का चिन्ह है,
यानी कि 5 से 3 बटा 5 घटाना है, तो इस 5 को भी क्या कर देते हैं, 11 में से घटा देते हैं, तो 11 में से 5 के पीछे क्या बचा, 6 बच गया। ठीक है, अब देखो यहां 7 कैंसिल हो चुका है, हमने कर दिया पहले सॉल्व कर दिया, अब बचा कौन यहां पे 2 बटा 3 बचा, और उधर 4 कैंसिल हो गया, अब कौन बचा 1 बटा 2। अब इनको वापस जोड़ दो, 2 * 2 कितना होता है 4, 3 * 1 कितना होता है 3 बटा, 3 * 2 कितना होता है 6, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 बटा 6। यहां तक तो हमारी ये जो भिन्न, यहां तक जो भिन्न थी वो क्या होगी, यहां तक सरल होगी। अब कौन बचा है 3 बटा 5, क्योंकि 5 तो सरल हो चुका है पहले, हमने कैंसिल कर दिया इसको, अब 3 बटा 5, 3 बटा 5 यह कहां पे माइनस में है, तो 3 बटा 5 कर दो। अब देखो 7 * 5 कितना होता है 35 होता है, 7 * 5 कितना होता है 35 होता है, फिर माइनस का चिन्ह, तो हमने लगाया माइनस का चिन्ह, 6 * 3 कितना होता है, तो 6 * 3 आप कहेंगे कि 18 होता है, बटा 6 * 5 कितना होता है, 6 * 5 कितना होता है 30 होता है। ठीक है, अब 35 में से 18 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है, और बटा में कौन है 30 है। अब देखो हमने इसको 6 को पहले सरल कर लिया था, तो 6 अब यहां लगा देंगे, तो 6 से ही 17 बटा 30 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, देखो अगला क्वेश्चन है 4 से 2 बटा 5 माइनस 1 से 1 बटा 3 माइनस 1 से 1 बटा 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां सारी चीजें माइनस में है, तो यहां पे जो 4 1 और ये 1 इनको हम पहले ही हल कर देते हैं, तो 4 में से 1 फिर वापस 1 में से 1 गया, ये माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 2, और 4 में से 2 घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा हुआ 2 बटा 5 माइनस 1 बटा 3। ठीक है, यहां तक पहले हम हल कर देते हैं, 2 बटा 5 माइनस 1 बटा 3, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, फिर माइनस का चिन्ह है, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 बटा 5 * 3 15। ठीक है, 6 में से 5 जाएंगे पीछे बचेगा 1, और 1 15 है उसको अपन क्या कर लेंगे वैसा का वैसा लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 1 बटा 15 यहां तक हम हल कर चुके हैं, अब कौन बचा 1 बटा 2 बचा, 1 तो पहले यहां कैंसिल हो गया, अब बचा 1 बटा 2, तो माइनस 1 बटा 2, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 15 को 1 से गुणा किया तो 15। ठीक है, और बटा 15 * 2 कितना होता है 30। ठीक है, 2 बटा 15 2 बटा 2 माइनस 15 बटा 30। ठीक है, अब देखो 2 में से 15 जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 13, माइनस 13 बटा 30। अब जो माइनस 13 बटा 30 यहां तक हल कर चुके हैं, अब देखो ये 2 है उसको अपन क्या कर देंगे आगे लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे, तो 2 माइनस 13 बटा 30। अब क्या करें, अब बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होगी, तो यहां पर ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान में रखना है, ये जो 2 है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, ये इधर वाला जो 1 है ना ये तो हमेशा 1 रखना ही है, चाहे भले यहां ऐसे आ जाता ना कि 15 माइनस 17 बटा 30 ऐसे भी आ जाए, तो आपको क्या करना होता ये जो 15 इसमें 1 यहां लिखना होता, फिर कौन है 14, तो 14 प्लस 1। ठीक है, यानी इधर वाला 1 तो हमेशा रखना ही रखना है। अब देखो अब कौन है, अब आपको क्या करना है इस 30 में से 13 घटा देने, 30 में से 13 क्या कर देने माइनस कर देने, तो 30 में से 13 जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा 17 बच जाएगा। ठीक है, 17 बच जाएगा, और फिर बट्टा कौन हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब जो इधर हमने 1 रखा था, अब इस 1 का कोई मतलब नहीं है, अब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1 से ही 17 बटा 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं इसके एक दो और क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखो कुछ क्वेश्चन है जिससे मैं आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर रहा हूं। हमने पहले लिखा था कि 1 प्लस 1 माइनस 13 अपॉन 30। ठीक है, इसमें क्या किया था हमने इस एक को भुला दिया था कि अब ये इसका हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा देते हैं यहां से। ठीक वैसा ही एक यहां पर है, तो इस एक को हम क्या कर जाते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं। अब 5 में से 4 के पीछे कितना बचा 1, 1 बटा 5, हर को वापस लिखना ही होता है, तो 5 जो हर है वो तो हमने वापस लिख दिया, तो इसको हम हल करेंगे तो 1 बटा 5 आएगा। अब इसमें इस एक को भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो 5 में से 2 गए क्या आता है 3 बटा 5, यहां पर भी एक को भूल जाते हैं, 5 में से 1 गए 4 बटा 5। ठीक है, और यहां पर जो एक है इसको भी हम भूल जाते हैं, 7 में से 5 7 में से 2 गए तो पीछे कितना बचता है 5, और जो हार है उसको समान लिख देंगे 5 बटा
5/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां हम हल करते हैं इनको, 4 - 3/8, 4 - 3/8, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, एक तो लिखना ही है, बाकी जो बचता है उसको ऐड कर दो, ठीक है। और फिर कौन है, -3/8 है। अब जो ये एक है इसको हम भूल जाओ, इसे यहां से हटा देते हैं, तो कौन अब किसको लिख देंगे, 3 को लिख देंगे। अब 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, फिर जो हर है 8 वो समान लिख दो, ठीक है। इसको देखो यहां पर 14, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13 + 1, 1 तो लिखना ही है लेकिन फिर बाद में इसको भूल जाना है, ठीक है। अब 13/25, अब इसको यहां से हटा देते हैं, भूल जाते हैं इसको, तो किसको लिखेंगे, 13 को लिखेंगे, 25 में से 13 के तो क्या पीछे क्या बचेगा, 12 बच जाएंगे, ठीक है, पीछे बच जाएगा 12, और जो हर है 25 उसको तो सेम लिखना ही होता है, तो 13 से 12/25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले देखो, हाँ अगला क्वेश्चन है, √6 + √6 + √6 और इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा अनंत तक, ये चिन्ह किसका होता है, अनंत का, अनंत तक जाता रहेगा, तो आंसर क्या आने वाला अंत में, ठीक है। तो देखो आपको यहां पर एक ट्रिक फॉलो करना है, ट्रिक क्या है, √4x + 1/2 ±1, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर जो ये एक्स दे रखा है, ये एक्स यहां पे कौन है, ये छ, ये जो छ है वो क्या है, एक्स है, एक्स बराबर कौन है, छ है। अब देखो करो इसको हल, 4x और x कौन है, 6 है, 4x है, ये गुणे में आपस में 4 और x गुणे में, तो 4 × 6 हो गया, ठीक है, +1/2, फिर ये प्लस में है तो प्लस माइनस में, जो प्लस है तो प्लस में हमने लिख दिया 1। अब देखो 4 × 6 कितना होता है, 24 + 1/2 + 1, आगे इधर कर देता हूं, √24 + 1/2 ये कितना हो जाएगा, √24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 / 2 प्लस 1, ठीक है। 25 है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे कि इसका वर्गमूल होता है 5, तो मैं यहां से ये वर्ग हट जाएगा, तो 5/2, ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 लिख दिया, 2 हमने 2 लिख दिया, ठीक है, प्लस 1, 5 और 1 कितना हो जाता है 6 / 2, 6/2 कितना हो जाता है, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि √7 - √7 - √7 - ऐसे अनंत तक चलता रहेगा, तो आंसर क्या आने वाला है। तो देखें, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, √4x + 1/2 + -1, ठीक है। अब देखो फोर एक्स कौन है, यहां पर 7 है, तो 4 × 7 + 1/2, अब प्लस या माइनस में से क्या लगाने वाला हूं, माइनस लगाऊंगा क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो -1। आगे देखो 7 × 4 कितने होते हैं, 28 और 1 कितना हो जाएगा, 28 और 1 29, में सीधा लिख देता हूं 29, ठीक है, 29/2 - 1, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपसे ऐसी, यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे √x फिर वापस √x, यानी कि ये सब आपस में है क्या, गुणे में है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं √x · √x · √x इस हिसाब से चलता रहेगा और अनंत तक जाएगा, तो क्या आंसर आना। पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें यहां पर प्लस माइनस था, इस बार यहां प्लस माइनस नहीं है बल्कि क्या है, गुणा है, तो क्या करना होता है, जब ये गुणे में हो और ऐसे अनंत तक जाए, ध्यान बात को यहां रखना आपको कि अनंत तक जाए, तो आंसर भी क्या आने वाला है, वही आने वाला है, एक्स ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं क्वेश्चन दूं आपको कि √5 × √5 × √5 इस प्रकार से आगे तक चलता जाए, अनंत तक चलता जाए, तो आंसर क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि आंसर वही आएगा, यानी कि 5 ही आंसर होगा,
वैसे आपको पता होना चाहिए कि रूट तीन गुणा रूट तीन होता तो क्या होता, वो तीन ही होता है। और वैसे आगे तक यूं ही चलता जाएगा तो भी क्या आने वाला, तीन ही आने वाला। जैसे गुणा आपने किया अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो, इसको भी अगर गुणा करते जाएंगे तो क्या आने वाला, दो ही आने वाला। ये अनंत तक गुणा हो भले क्या फर्क पड़ता, वो भी क्या होने वाला है जीरो, सॉरी वो दो ही होने वाला है। आगे मैं अगर यहां कर दूं सात कर दूं कि अंडर रूट सात गुणा अंडर रूट सात गुणा अंडर रूट सात गुणा, ऐसे आगे आगे चलता जाऊं तो भी वो आंसर क्या आने वाला, सात ही आने वाला है। लेकिन ध्यान हमें क्या रखना है कि ये अनंत होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंडर रूट पांच गुणा अंडर रूट पांच गुणा अंडर रूट पांच बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हल करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक क्या है ध्यान दे रहे हैं। अब देखो ये कितनी बार आया है, तीन बार आया है। ठीक है, फिर आपको ये अंडर रूट पांच अंडर रूट पांच अंडर रूट पांच ये गुणे में है सभी और तीन बार गुणे में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो की घात तीन लगानी है और हम इसको हर जगह काम में लेने वाले हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है कि दो की घात तीन यानी कि दो का क्यूब क्या होता है, आठ होता है। अब देखो क्यूब कैसे निकालते हैं, दो इंटू दो इंटू दो यानी दो को तीन बार गुणा करना है, तो दो इंटू दो कितना होता है चार, और फिर चार इंटू दो कितना होता है आठ। ठीक है, तो आठ को आपको क्या करना है, हर में लिखना है। आठ को आपको क्या करना है, हर में लिखना है। फिर अब जो आठ को हर में लिख दिया उससे एक कम इसके ऊपर अंश में लिखना है, तो इससे एक कम कौन है, सात है, तो सात को हमने लिख दिया अंश में। ठीक है, फिर यहां कौन है यानी जो एक्स है ये कौन है, पांच है, तो हमने लिख दिया यहां पर पांच, तो पांच सही सात बटा आठ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर जो हमने दो की घात तीन लगाई ना, ये घात कितनी लगानी है, जितनी बार वो अंक दे रखा है उतनी बार हमें घात लगानी है। वैसा देखो यहां करते हैं, यहां पर कितनी बार है, एक दो तीन चार और पांच, यानी अंडर रूट बारह गुणा अंडर रूट बारह, ये इस प्रकार से कितनी बार है, पांच बार है। तो हमने क्या कर दिया, दो की घात पांच लगा दी। दो की घात पांच कितना होता है, दो इंटू दो चार, चार इंटू दो आठ, आठ इंटू दो सोलह, सोलह इंटू दो बत्तीस, कितना होता है, बत्तीस होता है। तो हमें हर में तो क्या लिखना है, बत्तीस लिखना ही है। फिर बत्तीस से एक कम लिखना है अंश में, तो बत्तीस से एक कम अंश में कितना है, इकतीस। ठीक है, इकतीस हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक्स कौन है, बारह, तो हमें यहां लिख देना है बारह, तो बारह से इकतीस बट्टा बत्तीस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तीन प्लस तैतीस प्लस तीन सौ तैतीस प्लस तीन हजार तीन सौ तैतीस, इसको हल करना है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आ जाए फिर उनका आप सीरियल वाइज लिखोगे उसे हल करोगे तो बहुत वक्त क्या हो चुका होगा, जया हो चुका। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे आपको कि ये जो अंत से शुरू करना है, ये जो अगर कोई पॉइंट आगे ना लगा हुआ है और तीन प्लस तैतीस प्लस तीन सौ तैतीस प्लस तीन हजार तीन सौ तैतीस ऐसा कुछ भी आए और उसके आगे पॉइंट वगैरह ना हो तो हम उसको पीछे से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन है, कितनी बार में, तो चार बार में, तो तीन को हम क्या करेंगे, चार से गुणा कर देंगे, तो तीन इंटू चार कितना होता है बारह, बारह में हमने लिखा दो हासिल लगा दी एक। फिर कौन है, तीन सौ तैतीस है, कितने बार है, तीन तीन बार है, तो तीन इंटू तीन कितना हो जाएगा नौ, और हासिल वाली दस, दस में शून्य हासिल लगा दी वापिस एक। यहाँ कौन है, तीन है दो बार, तो तीन इंटू दो कर देंगे। ठीक है, तीन इंटू दो कितना होता है छह, छह और हासिल वाली एक सात, और ये जो तीन है इस तीन को हम वापस क्या कर देंगे, तीन इंटू एक, एक बार है तो तीन इंटू एक कितना हो जाता है तीन हो जाता है। चलेंगे कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी उसके पहले सबसे पहले तीन लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे सात लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे जीरो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दो लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, तीन हजार सात सौ दो आ जाएगा। अब देखो यहां हल करते इसको, यहां हमें क्या करना, आगे से आना है। ठीक है, लेकिन वापस ऐड किससे करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे इसको भी, तो ये है कौन पॉइंट में है यानी दशमलव में, तो इसको आगे से हल करना, पीछे से नहीं करना आगे से करना। तो वहां पर तीन है एक बार, तो तीन इंटू एक कितना हो जाएगा तीन, फिर यहाँ कितना है दो बार, तो तीन इंटू दो कितना हो जाएगा छह, यहाँ कितनी बार है तीन बार, तो तीन इंटू तीन कितना हो जाएगा नौ, और यहाँ कितनी बार है तीन इंटू चार, यानी चार बार तीन इंटू चार कितना हो जाएगा बारह बार। अब इसको भी कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो वन टू नाइन सिक्स और थ्री। ठीक है, अब मैक्सिमम संख्या, उसके आगे पॉइंट लगाना, तो मैक्सिमम संख्या कौन है चार, एक दो तीन चार, इसके आगे क्या लगाना है पॉइंट लगाना, तो 1.2963 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है,
कि 256 का भाग देना है हम किससे देना है, यानी अंडर रूट एक्स को हम 256 से भाग देंगे तो बराबर आएगा 2, तो यानी यहाँ अगर 2 आ रहा है तो इस एक्स का मान कितना है, ठीक है हमें ये हल करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, 256 भाग में है अंडर रूट एक्स, तो हमने लिख दिया भाग में अंडर रूट एक्स बराबर 2, ठीक है। अब इसको पक्षांतरण कर देते हैं तो 256 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। 256 बटा 2 कितना होता है, 128 होता है, 128 बराबर कितना, अंडर रूट एक्स, ठीक है। मैं यहाँ एक्स के ऊपर से अंडर रूट हटाऊंगा तो 128 के ऊपर चली जाएगी घात 2, ठीक है, ठीक है, घात क्या चली जाएगी 2, यानी 128 का वर्ग निकालना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो 128 का वर्ग कितना होता है, तो आपको क्या करना होता है, 128 की घात 2 का मतलब क्या, 128 को दो बार गुणा करना है। अगर आप इसको दो बार गुणा करेंगे तो आंसर आने वाला है 16384। आप सीधा याद भी कर सकते हो, 128 का वर्ग याद कर लोगे तो 16384। एक्स का मान कितना आ गया, 16384 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट एक्स प्लस 27 बटा 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटा 13 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हम देखो यह हल करते हैं, अपन पहले इसको हल कर देते, 169 को 1 से गुणा किया तो अपन 169 पे पहुंचे, फिर वापस 169 में क्या कर देंगे, 27 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 196 अपॉन 169, ठीक है, बराबर 1 प्लस एक्स बटा 13, ठीक है। यहां पर देखो ये अंडर रूट में है, यानी कि आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, और 169 का कितना होता है, 13 होता है। इसे हम हल कर चुके हैं, जब वर्गमूल पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल तो उसमें आपको वर्गमूल करने के निकालने के सारे तरीके बता दूंगा, ठीक है। अब देखो अब कौन है, 1 प्लस एक्स अपॉन 13। यहां पर देखो एक बात आपको यहां दिख रही होगी, जैसा हमने ऊपर हल किया है यहां पर ये दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है ना, यानी हल करने का तरीका आपको पता चल गया होगा यहाँ पर, यानी 169 को हमने 1 से गुणा किया फिर उसको वापस 27 से ऐड किया तो 196 आए थे। अब आपको यहाँ x में वो संख्या ऐड करनी है ताकि वो किसके बराबर आए, 14 बटा 13 के बराबर आए। अब क्या करना, मेरे को 13 को 1 से गुणा किया तो कहां पहुंचा, 13 पर पहुंचा, ठीक है। अब मैं 13 में कितना जोड़ू कि वो 14 के बराबर आ जाए, तो 1 जोड़ूंगा तो आप कह दोगे 1 जोड़ो, मैंने यहां पर 1 ऐड किया तो कितना बन गया, 14 बन गया, ठीक है। तो यहां हो गया 14 बटा, और ये हर समान लिखना पड़ता है तो 13, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ x की जगह कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, यानी कि x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3, और आगे जो हम है वो एक छोटे से ब्रेक के बाद में वापस लौटेंगे, और मैं वीडियो हमेशा छोटे छोटे बनाता हूँ, यानी कि 22 मिनट 23 मिनट 25 मिनट 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा, आधा घंटा हाईएस्ट, ठीक है। ऐसा क्यों बनाते, ताकि क्या है कि बच्चों का देखने का भी मन करे, ठीक है, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो को देखेगा तो फिर उसकी हम सीमा देखते हैं कि कितने घंटे का, ये देखने के बाद हम घबरा जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने, अभी थोड़ी ब्रेक के बाद वापस लौटने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।